चले जी, अभी निकलेंगे इंशाल्लाह आगे और आपको दिखाएंगे बहुत खूबसूरत वैलीज़ शांगला की। और ये कि मनसरा से हम अभी नाश्ता शाश्ता करके फ़्रेश होकर निकले हैं। इंशाल्लाह अभी सफ़र आगे शांगला का होगा, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे रास्ते में कुछ वीडियोस और कुछ मामलात के साथ। हमारे साथ लो जी, सुबह की तैयारी दोबारा हो गई, अब हम मनसरा से शांगला की साइड पर निकलेंगे। ये जी मॉर्निंग तैयारी दिखा लेते हैं दोस्तों की तरह। सर जी तैयार हो? और शी साहब वो लेट हो गए सर, शांगला कब पहुंचना है? तैयारियां चल रही हैं जी, देखो जी। खान साहब और सर जुल्फे सवारा बंद कर दो, चलिए सर। ये हम मेन बालाकोट रोड पे निकल आए और देख सकते हैं आप खूबसूरत सा व्यू। तो आज ग्रीन वैली रेस्टोरेंट, आसिफ कियानी साहब सर छा गए हैं सर, आप पूरा लंबा ड्राइव लाहौर से लेकर। बशीर साहब जी, आज सर जी, खान साहब, पीर साहब सर, ये पूरी पार्टी है सर, हम जा रहे हैं शांगला की तरह। बस सर्दियों की वजह से ना ऊपर से नीचे आ जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, ये सारा साल सफर में ही रहते हैं। अभी ये यूं ही ये सर्दियाँ जाने लगेंगी मार्च में, ये उधर को ऊपर की तरफ जो है ना मूव कर जाएंगे। चाय के बाग आप देख रहे हैं, चाय का बाग। चाय के हवाले से आप बाग देखें, ये चक्की। शिनक्यारी बाजार पहुंच गए हम, जूनियर लीडरशिप एकेडमी। शिनक्यारी बाजार आप देख रहे हैं, सुबह का टाइम है। ओ देंदा लो जी, ए इछड़िया नु इशारा रेशम वही आगे मोटरवे पे चढ़ के वो था फोर वाली का शांगला, ये ऊपर हमारे गांव में ये डाडर बुक पाऊं की डाडर वाह वाह वाह। अच्छा ये नीचे इशारा रेशम को कहते हैं ना, क्या बात है, हमारे गांव में पानी नीचे देखे ना, क्या क्लासिकल पानी था सर। वो आपको उधर दिखाते हैं, सुभान अल्लाह सर। इस गांव का क्या नाम है सर? आसिफ साहब ये जिधर जा रहे हैं? हाँ, नहीं अभी ये जहाँ से गुजर रहे हैं ये अपना सेरिया, ऊपर दरियाल है, दरियाल यहाँ के डिपू है ना, डिपू इस जगह से मशहूर है। ये एक वक्त में लकड़ का डिपू होता था ना। अच्छा अच्छा, और मेरे मामू भी। प्यारी जगह है, गर्मियों में तो बहुत ही खूबसूरत होगा, अभी थोड़ा खिजां का टाइम है। क्या बात है जी,
बहुत ही प्यारी जगह माशाल्लाह, देख सकते हैं। साथ आलू लगे हैं, आलू की काश कीजिए, देख सकते हैं। सीपेक पे चढ़ गए ना सर अभी हम, ये सीपेक पे हम चढ़ गए, ठाकुर की तरह रवान दवा है। क्या बात है जी, हमारे इधर राणा टाउन का ना टूल प्लाजा हमें फ्री है राणा टाउन वालों को, तो वो शुगर लगा रहे थे कि इधर भी कौन राणा टाउन, ये आगे दिखाने की जरूरत तो नहीं है। कौन सी जगह है? ठाकुर, ठाकुर है। ठाकुर का कौन सा गांव है सर? जिला तो पलोसा बोलते हैं इसको। पलोसा है, क्या चीज मशहूर है सर इधर की? पलोसा बोलते हैं गांव, ये एक ही ठाकुर है। अच्छा, ये क्या आप चंदा किस चीज की जमा कर रहे हैं सर जी? मस्जिद कर रहे हैं। अच्छा, ये मस्जिद है, सही। क्या कुछ किया जाए सर यहाँ, क्या चीज जबरदस्त है, क्या खानी चाहिए, क्या देखनी चाहिए इधर? जो कुछ इधर का, इधर का शहद मशहूर है, इधर का जो है दही मशहूर है, गैस का, बाकी जो है सब कुछ। चले सर, थैंक यू सर। बात है जी, जीप देखो क्या लोड किया है, तो लोड कड़ी चीज आई है ना, जबरदस्त ठाकुर का खूबसूरत एरिया। इधर हम जा रहे हैं चकेसर, उधर से तोरमंग,
गांव हम जाएंगे, ये रोड की हाल है, देख सकते हैं आगे फदर कैसा होगा ये नहीं पता। मेरा नाम खलीलुल्लाह, मैं बटग्राम से ताल्लुक रखता हूँ। इधर किधर गए थे सर? बस इधर चक्कर के लिए आया था, मेट्रो ड्राइवर होटल पे। अच्छा, तो इधर साथी थे तो उन्होंने बुलाया था। तो माशाल्लाह यहाँ क्या देखने की क्या जगह है सर? इधर इधर माशाल्लाह ये इलाका बहुत ज्यादा जबरदस्त है, दरिया सिंध है और इधर का हवा पानी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो आगे होटल है इसी तरह या कच्चा रोड ये जाता है सीधा जाके? नहीं, ये आगे सामने होटल है, मेट्रो ड्राइवर। अच्छा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होटल है। सही, तो लोग आए तो क्या लेके आए अपने साथ? यहाँ पे कुछ भी नहीं लाए, होटल पे रह सकते हैं? होटल पे भी रह सकते हैं। इधर माशाल्लाह हमारे पठान जो है वो मेहमानों को बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। हम इस तरह किसी को नहीं छोड़ेंगे पंजाब लोगों की तरह, इंशाल्लाह ये हमारा उम्मीद है। हम जितना खान फिर भी गरीब है लेकिन खान फिर भी मशहूर है अपने नाम से। इंशाल्लाह जिस तरह आप कह सकते हैं उसी तरह कर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहते हो सर, ये तो पंजाब की बात तो आ गई है सर। सर इन्होंने जो बात की है मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। पठानों की अपनी एक रवायत है, पठान एक ब्रांड है, पठान नाम ही काफी है। शहर से जितने लोग आते हैं ना वो दरख्त को भी नहीं छोड़ते हैं। ये देखें सर, ये ले सर। हेलो बाबू जी, ठहर जा सर, वो दे रहा है सर। वो इस तरह का रास्ता है, इस रास्ते से आप जाएंगे आएंगे और इसी रास्ते से आप जो है ऊपर पहुंचेंगे अलीपुरी के पास चक्कस सर। क्या खूबसूरत जगह है, देखो इस तरह का रोड है। अब चिकस्कर को जब थाकोड़ से पुल से जब आते हैं, ये देखें पीछे वेलीस और ये सारे मामलात, इस तरह का रास्ता। ये भाई चिकस्कर बहुत ही खूबसूरत व्यू है लेकिन आने के लिए बहुत ही मुश्किल है रास्ता यहाँ पे। चिकस्कर और अलीपुरी के करीब का एरिया है ये। कौन सा इलाका ये? चिकस्कर है। चकसरी पहुंच गए हैं, बस अभी वापसी होगी। क्या बना रहे हो यार, ये कौन सी जगह है? चकसकर। अच्छा, क्या बात है यार। तो लोग चिकस कर आएँ और आपका कबाब खा के जाएँ? किधर के हो आप? इधर लोकल हो? अच्छा, सही। इधर की क्या चीज़ मशहूर है यार चिकस कर का? क्या चीज़ मशहूर है? कबाब मशहूर है। सवाद से चकसरी के रास्ते से बालाकोट की तरफ जा रहे हैं, थाकोट की तरफ से। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत मज़ेदार रास्ता है और लोग अच्छे हैं। आप भी कभी आए और ये रूट इस्तेमाल करें, इतनी खूबसूरती आपने कभी भी नहीं देखी होगी और इलाकों में। ये चकसरी से बनेर को भी रास्ता जाता है, स्वात को भी जाता है, थाकोट को भी आता है। और मैं पीर सनावला बोल रहा हूँ,